राधे कृष्णा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो देखिए जी, आज पानी बॉईल करेंगे सबसे पहले तो। और एक बिल्कुल जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए आज एक रेसिपी बना रहे हैं बिल्कुल। और देखिए, भूख तो लगती है तो रात को हल्का फुल्का भी खाना है। जो लोग योगा और एक्सरसाइज करते हैं तो भाई अब उनके लिए भी कोई रेसिपी होनी चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल कम तेल में और एकदम फटाफट, क्योंकि मन नहीं करता है रात को जैसे कभी कभी खाना बनाने का, तो आप इसको झटपट बना सकते हैं। और देखिए, आपके शरीर के लिए बहुत हेल्दी और फायदेमंद है और वेट लॉस है। तो आज ये रेसिपी में देखिए आगे करना क्या है। तो पानी को उबलने देंगे, तो तब तक जो है सब्जी तैयार करते हैं अपनी। चलिए, तो देखिए जी, करेले लिए हैं और ये दो करेले थे मैंने, इनको अच्छे से ऊपर से छील लिया है। और देखिए, मोटा मोटा ही काटा है, ज़्यादा पतला नहीं काटा है। देखिए, इतने चौड़े टुकड़े में इनको हमने काटा है और जो है अच्छे से धुलाई कर लिए, छील लिए हल्के हल्के, पूरा नहीं छीला एकदम। और जी, इसको अभी कटिंग बोर्ड के ऊपर रखेंगे। और देखिए करना क्या है, इस तरीके से हमें इसके बीजों को इनको निकालना है बाहर, बिल्कुल एकदम खाली कर लेना है इनको राउंड राउंड में, इस तरीके से करना है इनको हमें। तो ये देखिए जी, इस तरीके से निकाल लेंगे और सबको रख देंगे साइड। तो इस तरीके से कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए जी, बीज निकाल लिए साइड सभी। और मैं तो देखिए इन बीजों को फेंकूंगा नहीं, क्योंकि कच्चे हैं, नरम बीज हैं, सॉफ्ट हैं, इतने हार्ड नहीं हैं। तो इनको जब हम ये रेसिपी तैयार करेंगे तो उसी के साथ रोस्ट कर लेंगे। तो मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं जी करेले के बीज, सॉफ्ट वाले, हार्ड वाले नहीं, तो इनका यूज करेंगे बाद में। और ये देखिए करेले, तो इस तरीके से देखिए सबका अंदर का हमने ये निकाल दिया बीज। और अब क्या करते हैं, चलते हैं जी गैस की तरफ। पानी हो चुका है हमारा बॉयल अच्छी तरीके से। तो देखिए जी, पानी बॉईल हो चुका है, गैस हमने कम कर दी है। देखिए बॉईल अच्छे से उबल रहा है। अब करेंगे कि पहले गैस को कम कर देंगे। और देखिए जी, नमक डालेंगे एक चम्मच, क्योंकि करेले हैं तो थोड़ा सा कड़वापन निकालना भी इनका ज़रूरी है, तो इसीलिए बॉईल करेंगे। और ये देखिए, हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, एक उबाल आने देंगे इसमें अच्छी तरीके से, गैस तेज कर। और इस तरीके से हिला दें जी आप। और अब करेलों को जो हमने ये काट के बीज निकाल के साफ करके अच्छी तरीके से रखे हुए हैं, और इन करेलों को डाल देंगे इस पानी के अंदर और इनको उबालेंगे जी 5 मिनट गैस मीडियम करके। तो इनको उबलने देते हैं, तब तक हम इनके और स्पाइसी बनाने के लिए इसका मसाला तैयार करते हैं बढ़िया। तो देखिए जी, 3 चम्मच बड़े बेसन लिया है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। अगर करेले ज़्यादा हैं तो आप थोड़ा बेसन ज़्यादा ले सकते हैं। तो नमक डालेंगे देखिए जी, बहुत कम अपने स्वाद से। और साथ में क्या करेंगे देखिए, थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर धनिया पाउडर, बहुत कम कम मसाले डाल रहे हैं। और जी, थोड़ा सा डाल देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा डाल देंगे जी देखिए गरम मसाला। और क्या करेंगे देखिए, बेसन है तो अजवाइन डालेंगे, और अजवाइन से आपको पता है फ़ायदा भी कितना है हमारे वेट लॉस में भी, मतलब डाइजेशन सिस्टम में बहुत बढ़िया, बहुत फ़ायदा देती है अजवाइन। तो अजवाइन ज़रूर डालें अगर आप बेसन की कोई रेसिपी बनाते हैं या पराठे बनाते हैं। तो देखिए जी, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दिए। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा डाल देंगे मिर्ची पाउडर लाल वाली, बिल्कुल कम मसाले। देखिए बिल्कुल एकदम बढ़िया रेसिपी बन रही है आज एकदम। तो और थोड़ा सा इसको चटपटा करने के लिए देखिए जी, अगर आमचूर है तो आमचूर डाल लें, चाट मसाला है तो चाट मसाला डाल लें, अगर कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं आप। तो ये चाट मसाला डाल दिया मैंने थोड़ा सा। अब इन सबको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। देखिए जी, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ बेसन को इस समय पर। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसको अच्छे से गाढ़ा घोल बनाएंगे। तो देखिए जी, बहुत थोड़ा सा पानी डाला है, पहले तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि एक साथ पानी ना डालें आप एकदम ज़्यादा, क्योंकि उससे क्या बेसन की गांठें भी नहीं फूटेंगी, अच्छे से मिलेगा भी नहीं, और हमारा जो ये बैटर है, पेस्ट है वो ये जो है गीला हो सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो अच्छी तरीके से पहले इसको कम पानी में इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल फटाफट जी एक रेसिपी बन रही है आज आप लोगों के लिए, जिन जो वेट लॉस कर रहे हैं और जो हल्का फुल्का रात को खाना है, दिन में खा के तला भुना जैसे परेशान हो गए हैं आप, और खाना भी ज़रूरी है, भूख लग रही है, तो हल्का फुल्का क्या खाएं। तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर एक बार घर पर ट्राई कीजिए,
बहुत पसंद आने वाली है आपको, और एक बार बनाओगे तो मेरे को लग रहा है कि आप बार बार बनाओगे। तो ये देखिए जी, इस तरीके से इसको अभी अच्छे से, ये देखिए गाढ़ा है ना काफ़ी, तो अभी इस समय पे इसकी जो गांठें हैं, इसमें जो गुठलियाँ हैं, उनको इस तरीके से चम्मच से हिलाते रहेंगे और मैश करते रहेंगे, तो वो सब एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए जी, अच्छी तरीके से सब हमने मिक्स कर लिया है, और हमारी जो गांठें गुठलियाँ थी इसके अंदर बेसन के, वो सब मिक्स हो गया है, सब फूट चुकी हैं, ये देखिए अच्छी तरीके से। तो अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल 1-2 चम्मच के आसपास, और फिर इसको मिक्स करेंगे आराम से, धीरे धीरे हिला कर इस तरीके से, इसको बढ़िया तरीके से देखिए आराम से मिक्स कर लेंगे जी। ये देखिए, तो अभी जो है थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, और थोड़ा पानी डालेंगे, देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, नहीं तो पहले तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो ये देखिए जी, इस तरीके से ये हो गया मिक्स, और परफेक्ट है, देखिए ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये बेसन जो है गिरना चाहिए इस तरीके का, हमें इतना मोटा इतना पतला हमें रखना है, मतलब जमना भी नहीं चाहिए और एकदम से गिरे भी ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, धीरे धीरे, मतलब ये देखिए इस तरीके से। अब इस बेसन को कर देंगे साइड, और जी चेक कर लेते हैं हमारे करेले बॉईल हो रहे थे जो पानी के अंदर, 5 मिनट हो चुके हैं उनको। तो देखिए जी, करेले अच्छे से बॉईल हो चुके हैं हमारे, उबल चुके हैं, तो ये देखिए कितने बढ़िया एकदम परफेक्ट। और देखिए उबालने से जी इनका फ़ायदा ये है, एक तो नमक के पानी और हल्दी में हमने डाल के उबाला है, तो एक तो इनका जो कड़वापन है, जो ज़्यादा कड़वे होते हैं करेले, वो थोड़े से कम हो जाता है उनका कड़वापन, और दूसरा क्या है, जो भी केमिकल इसके ऊपर छिड़काव, दवाई वगैरह का जो सब्जियों के ऊपर छिड़काव करते हैं, तो वो सब्जी भी हमारी बॉईल करने से क्या है, उसका वो केमिकल भी ख़त्म हो जाता है। तो देखिए अब गैस कर देंगे जी बंद, अच्छी तरीके से हो चुके हैं ये बॉईल, इनको एकदम गलाना नहीं है, मतलब उबालते समय हमें थोड़ा 80% 90% तक ही हमें इनको बॉईल करना है। तो अब इसको पानी से कर देंगे अलग, और इस पानी को देखिए आप फेंकें ना, ठंडा होने के बाद पौधों में डाल दें, या किसी भी जगह पे ऐसी पे डाल दें जहाँ पेड़ पौधों को पानी मिल सके, तो उसमें यूज कर सकते हैं आप इस पानी को। तो आइए अब इनको होने देते हैं ठंडा, और पानी से कर लेंगे जी अलग। तो देखिए जी, छन्नी में छान लिए, और देखिए मेरे पास तो ये छन्नी है जी, इसके बहुत फ़ायदे हैं, पता ही आपको, कितनी भी गर्म चीज़ हो एकदम फटाफट डालो और छानो जी, एकदम काम शुरू करो, है ना, तो कितनी कमाल की चीज़ है। तो आप भी आई होप छन्नी ले लीजिए ये, और बहुत फ़ायदेमंद होती है, बहुत हेल्प करती है हमें किचन के अंदर। तो आप चलिए इनको थोड़ी देर होने देंगे ठंडा, बिल्कुल नहीं करना है, हल्का सा बस थोड़ा सा, 1-2 मिनट के लिए। तो देखिए जी, तवा ले लिया है, और सेकेंगे इनको, मतलब बिल्कुल कम तेल में बनाएंगे। तो देखिए ढक्कन से तेल डाल रहा हूँ जी आज बिल्कुल, और ये बस देखिए, और तेल लिया है मैंने सरसों का, क्योंकि सरसों के तेल से क्या है, इसमें थोड़ा टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, बहुत ही अच्छा लगता है सरसों के तेल के अंदर ये पके हुए करेले की सब्जी। तो इस तरीके से देखिए टपका देंगे चारों तरफ इसमें जहाँ जहाँ पहुँचता है, और एक बार इसको अच्छी से चम्मच से हिला लेंगे, तेल को चारों तरफ फैला लेंगे तवे के ऊपर, देखिए इस तरीके से जी चारों तरफ इसको फैला लेंगे जहाँ जहाँ हमें, ये देखिए। तो ये देखिए जी, बहुत ही कम तेल है, तो एक्सरसाइज करने वालों को, योगा करने वाले को, और जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं और बहुत मेहनत करते हैं रात दिन वजन कम करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी हेल्दी रेसिपी मिल जाए, टेस्टी बढ़िया और कम समय में बनने वाली और झटपट। तो अब देखिए तेल चारों तरफ अच्छे से तवे के ऊपर फैला दिया है, अब क्या चलाते हैं अपने करेलों। तो देखिए जी, करेलों को रख देंगे इस तरीके से, और ये देखिए इस तरीके से इन करेलों को रख देंगे, और गैस करेंगे कम, ये चीज़ का ध्यान रखें आप। तो ये देखिए इस तरीके से सभी करेलों को हम इस पे रख देंगे, और गैस बिल्कुल कम है जी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और देखिए बहुत ही आज एकदम लाजवाब रेसिपी बनने जा रही है, और कभी भी आप खाइए तो इसको चाय के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं, स्नैक्स के तौर पे भी, और लाइट वेट तो है ही, फटाफट से कुछ खाना है थोड़ा हल्का फुल्का तो फटाफट खाइए जी, और एक गिलास पानी पीजिए और सो जाइए। तो ये देखिए इस तरीके से सबको रख देते हैं। तो देखिए जी, बेसन लेंगे, और देखिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बेसन लें आप, इस चीज़ का ध्यान रखें, और इस तरीके से देखिए करेले के अंदर हमें इसको भरना है, यहाँ तक ऊपर तक फिलिंग कर देना है इसको करेले के अंदर, ये देखिए जी,
वाह जी वाह, परफेक्ट एकदम। देखिए इसी तरीके से ये देखिए दूसरे में डाल देंगे। तो इसीलिए बेसन का घोल ज़्यादा पतला ना बनाएं आप, हल्का मोटा ही रहने दें, ठीक गाढ़ा। तो इस तरीके ताकि ये जो है भरने में आसान रहे। और इसी तरीके से देखिए ये सबको भर देंगे। तो देखिए जी सभी भर दिए। और देखिए इसकी खास बात क्या है रेसिपी की ना, तो ये देखिए भरते भरते एकदम थोड़ा बड़ा करके मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ कैमरे की। तो ये देखिए भरते भरते जी पक रहे हैं बिल्कुल बढ़िया। और ये देखिए बेसन पकता गया है हमारा धीरे धीरे। ये देखिए ऊपर से बिल्कुल वो हो चुके हैं, एकदम पक चुके हैं बेसन जो है हमारा। और अब इनको क्या करेंगे, धीरे धीरे अलट कर पलट कर बढ़िया तरीके से हमें इनको सेक लेना है। तो ये देखिए जी इस तरीके से इसको आराम से उठाएंगे और पलटी मारेंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे इनको रोस्ट होने देंगे। तो ये देखिए कितनी लाजवाब आज एक रेसिपी बन रही है, बहुत ही मज़ेदार। तो ये देखिए इस तरीके से। और बाकी वो जो बीज थे मेरे बचे हुए, तो मेरे को तो बहुत पसंद है जी, तो वो बीजों को भी मैं इसमें डाल दूंगा बीच बीच में, ताकि साथ के साथ ये भी रोस्ट हो जाएं। और इनका जो करारा टेस्ट होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है मुँह के अंदर, जब बीज हल्के हल्के जो नरम बीज होते हैं जब हल्के हल्के दांतों के नीचे आते हैं और कटते हैं, तो वाह जी वाह क्या बात है, आपको पता ही है। तो इस तरीके से देखिए इनको भी डाल दूंगा ताकि साथ में ये भी रोस्ट हो जाए इसके अंदर। चलो जी तो बीज डाल दिए सब, क्योंकि हार्ड बीज होते तो हम फेंक देते, अगर ये क्या है सॉफ्ट बीज हैं तो इनको फेंकना किस लिए, अगर अच्छे हैं तो सॉफ्ट बीज हैं तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें जी। अगर बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप फेंकना चाहें तो फेंक सकते हैं और यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो देखिए धीरे धीरे इनको पलटी मार लेंगे और सेकेंगे। देखिए इस तरीके से सभी करेलों को हमारों को इस तरीके से देखिए जी आराम से एकदम करारा, बिल्कुल बढ़िया तरीके का आज एक स्नैक्स और रेसिपी, लाइट वेट मतलब एकदम बिल्कुल कम तेल और जी बिल्कुल हल्का फुल्का खाना रात के लिए। देखिए तो इस तरीके से सबको पलटी मारेंगे और सिकने देंगे अच्छे से। तो देखिए जी इस रेसिपी की आज जो है कई खास बातें, एक तो देखिए बेसन है, बेसन का फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है हमारे मुंह के टेस्ट के लिए, जीभ के टेस्ट को। और दूसरा क्या है देखिए बिल्कुल कम तेल है। और तीसरा क्या है देखिए बिल्कुल लाइट डिनर या नाश्ता जो भी आप कह सकते हैं, और ख़ासकर वेट लॉस जो कर रहे हैं उनके लिए ये रेसिपी है। तो ये कई जगह से कई तरीक़ों से आज बहुत ख़ास रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ये देखिए जी ये अच्छे से पक चुके हैं, एकदम करारा सब कुछ हो चुका है। तो ये देखिए पकने के बाद इसमें बेसन का कलर जो है कितना अच्छा है, सुनहरा एकदम गोल्डन। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया एकदम करारे पक चुके हैं। तो देखिए अभी जो है और थोड़ी देर इनको पकाना चाहें तो और कड़क, आपको कड़क करने हैं तो आप और भी कड़क कर सकते हैं इनको, नहीं तो ये फ़िलहाल हो चुके हैं। तो आप गैस कर देंगे जी बंद, देखिए और निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो देखिए जी सब कुछ आपके सामने और कितना सिंपल और कितना लाइट एकदम बन के तैयार है जी रात का डिनर। तो देखिए बाकी खाइए पीजिए, मस्त रहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।